तो है गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन, जिसे आप लोग अडानी ट्रांसमिशन के नाम से जानते हो। अडानी ट्रांसमिशन में आपने देखा होगा अभी कल के दिन काफ़ी शानदार तेजी बनी 2% के करीब। दूसरी तरफ हम डिस्कस करेंगे अडानी टोटल गैस को लेकर और अडानी ग्रीन एनर्जी को लेकर। तो भाई यहाँ पर आप लोग देखोगे इन तीनों शेयरों को लेकर कुछ ना कुछ बड़ी खबरें आते हुए नजर आई है। तो चलिए जानते हैं डिटेल में आगे कर क्या खबरें आई हैं और उनका कितना असर पॉजिटिव या नेगेटिव हमें इन शेयरों के ऊपर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं अडानी एनर्जी सॉल्यूशन को लेकर। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन आप लोग देखोगे 830.50 रुपये के भाव में हमें क्लोजिंग लेते नजर आया है और लगभग 2% के करीब जो शेयर है वो बढ़ते हुए नजर आए, एक पॉजिटिव क्लोजिंग स्टॉक ने लिया। और अडानी ग्रुप के सभी शेयरों में आई थिंक यही शेयर है जो हमें 2% के करीब भागते हुए नजर आया है और बाकी सभी शेयर अपने प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास है, थोड़ी बहुत गिरावट में हमें क्लोजिंग देते हुए नजर आए हैं। 8,92,000 के आसपास वॉल्यूम आई है एनएससी बीएससी दोनों के अंदर। तो इस स्टॉक को लेकर ठीक है काफी बड़ी खबर आती हुई नजर आई है, इस कंपनी को लेकर काफी बड़ी खबर आई है। तो चलिए आपको बताते हैं आखिरकार खबर क्या है। उससे पहले आरएसआई एमएफआई की बात करें तो आरएसआई आपको 47.8 और एमएफआई 63.3 पर हमें दिखाई दे रही। इसके अपोजिट आप लोग देखोगे दूसरी तरफ जो पीई रेशियो है ठीक है, पीई रेशियो आपको 74.4 पर दिखाई दे रही है, अभी भी बहुत ज्यादा हाई है ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं अभी आखिरकार खबर क्या आई है और उसका कितना असर हमें स्टॉक के ऊपर अब आगे देखने को मिलेगा। क्या आप लोग देखोगे अभी 13 तारीख को जब इसके ऊपर अडानी हिंडनबर्ग मामले के ऊपर सुनवाई करेगा कोर्ट, क्या उससे पहले स्टॉक में एंट्री का माहौल है या फिर नहीं। ऐसे बहुत सारे निवेशक हैं जो ये बार बार पूछ रहे हैं क्या इसके रिजल्ट्स भी आएंगे अभी के टाइम। ठीक है आपको पता ही होगा सितंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट्स है वो अक्टूबर और नवंबर में आएंगे और साथ ही साथ आप लोग देखोगे अडानी हिंडनबर्ग मामले के ऊपर सुनवाई होना, तो इन सबका मेल जोल हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले जो खबर आई है वो। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे द इकोनॉमिक्स टाइम के उस वेबसाइट के ऊपर हमें ये अपडेट आते हुए नजर आई है। ये अपडेट ठीक रात 8:07 पर देखने को मिली है, जिसके अंदर क्या बताया गया है अबू धाबीज IHL यानी इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी जो है वो टू सेल इट्स इन्वेस्टमेंट्स इन टू अडानी ग्रुप कंपनीज। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे IHC ये अडानी ग्रुप की दो कंपनियों में अपनी जो होल्डिंग अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेल कर रही है, ऐसा इनका कहना है, जो कि एक नेगेटिव संकेत आया है ठीक है। आखिरकार ये क्यों अपने शेयर बेच रहा है अडानी हिंडनबर्ग मामले से पहले ठीक है, फिर क्वार्टर रिजल्टों के पहले, तो ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। बट उससे पहले इन्होंने अपना जो अभी क्लेरिफिकेशन भी दिया आखिरकार हम क्यों बेच रहे हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं। मुंबई अबू धाबी बेस्ड इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी ऑन थर्सडे सेड दैट द कंपनी प्लान्स टू सेल इट्स इन्वेस्टमेंट इन अडानी ग्रुप फर्म्स अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, साथ में डिस्कस करा इन्होंने अडानी एनर्जी सॉल्यूशन जो अडानी ट्रांसमिशन के नाम से जानी जाती थी। तो इन दोनों से ठीक है अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन इन दोनों से अपनी जो होल्डिंग है वो सेल करने के बारे में जो ना अभी ये कंपनी सोच रही है। ऐसे में यहाँ पर देखो द डिसीजन टू सेल ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज ए पार्ट ऑफ द कंपनीज प्लान टू रीबैलेंस इट्स ओवरऑल पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी। तो इनका जो कहना है वो है रीबैलेंस, यानी कि अपने जो पोर्टफोलियो है उसको रीबैलेंस के लिए या फिर आप लोग देखोगे सेटल अपना जो ना अभी सेटलमेंट कर रहे हैं ये पोर्टफोलियो का, और उसी के लिए आप लोग देखोगे ये अपनी जो होल्डिंग है वो बेच रहे हैं। तो ऐसा आया है सामने, तो ऐसे में देखो भाई अपनी होल्डिंग बेचेंगे तो एक नेगेटिव संकेत है ठीक है, उसका थोड़ा नेगेटिव असर स्टॉक के ऊपर देखने को मिल सकता है अगले ट्रेडिंग सेशन के दौरान ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं भाई दूसरी जो खबर आई है बड़ी, ये तो अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन को लेकर अडानी ट्रांसमिशन को लेकर हो गई है। अब बात करते हैं अडानी टोटल गैस को लेकर। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे अडानी टोटल गैस ने कल के दिन एक नोटिस पब्लिश किया था। इस नोटिस के अंदर हमें क्या देखने को मिला, 28 तारीख को जो नोटिस पब्लिश हुआ है इंटीमेशन ऑफ क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। तो ट्रेडिंग विंडो क्लोजिंग को लेकर जो अभी एक बड़ी खबर आई है सामने, एक सेबी का रूल होता है अभी जब कंपनी अपने क्वार्टर रिजल्ट डिक्लेयर करती है तो उस समय ट्रेडिंग विंडो क्लोज की जाती है, जहाँ पर कंपनी के प्रमोटर्स हैं या फिर आप लोग देखो डायरेक्टर है प्रमोटर ग्रुप से संबंधित जो कोई भी है वो यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर सकते
ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग से अपने जो शेयर है वो बाय सेल नहीं कर सकते, ऐसा अनलीगल माना जाता है, ये जो ना भी आप लोग सेबी के रूलों के खिलाफ है। तो ऐसे में यहाँ पर जो ना भी अगर ये ऐसा कर्ज भी देती है तो इनको फाइन देना पड़ता है। तो इसीलिए आप लोग देखोगे ये अपडेट आते हुए नजर आई है 1 अक्टूबर फ्रॉम 2023 टिल 48 आवर्स आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ द अनऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी फॉर द क्वार्टर एंड हाफ ईयर एंडेड 30 सितंबर 2023। यानी कि इन सबसे जैसे ही ये कंपनी अपने रिजल्ट क्लियर करेगी उसके बाद 48 आवर्स तक जो कंपनी के अंदर प्रमोटर्स है या फिर और कोई भी अभी संबंधित जो कंपनी के अंदर है वो इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर सकते, उनके लिए जो ट्रेडिंग विंडो है वो क्लोज रहेगी। अगर ऐसा कर भी देते तो उनको फाइन वगैरह देना पड़ता है। तो ये अपडेट आते हुए नजर आई है अडानी टोटल गैस के रिगार्डिंग। अडानी टोटल गैस आप लोग देखोगे लगातार निरंतर टूट रहा है और अपने न्यू बाउंड्री लो की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। 620 रुपये के आसपास का इसका बाउंड्री लो है और अभी के टाइम 622 या फिर 21 के आसपास है। तो ये शेयर अपने लगातार बाउंड्री की तरफ जा रहा है। ऐसे में ऊपर से ये जो अडानी हेडिंग पर मामला है इसके ऊपर भी सुनवाई होगी। तो ऐसे में इन शेयरों को लेकर मैंने आपको पहले भी बोला था अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो फैसला आने के बाद, ठीक है, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो पहले कीजिए भाई, स्टॉप लॉस वगैरह लेके चलिए, चार्ट आपको समझ में आना चाहिए, वो सब कीजिए। अगर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हो अडानी ग्रुप के अंदर तो आपको आई थिंक वेट करना चाहिए इस पूरे मामले की सुनवाई के ऊपर, इस पूरे मामले के फैसले के ऊपर, उसके बाद ही सोचना भाई, ठीक है। इससे पहले कुछ भी कदम उठाना, ऐसी गलती होना बहुत ज़्यादा आपको आगे दुखद दे सकती है। तो चलिए अब देख लेते हैं भाई हमारी अडानी पावर। अडानी पावर के अंदर आपने कल के दिन देखा होगा फोर्टिट्यूड के द्वारा लगभग 2.2% जो इक्विटी है वो खरीदी गई है। ये खबर आई है कब, ठीक इडन जो अडानी हेडिंग का मामला उससे पहले। तो ऐसे में यहाँ पर ऐसी खबरें आ रही हैं, अडानी पावर के अंदर प्रमोटर लगातार शेयर खरीद रहे हैं, पहले भी 5 तारीख को खरीदा था, 6 तारीख को 5 तारीख को अपने जो शेयर वो रिवोक किए थे, 6 तारीख को आपने देखा होगा भी शेयर खरीदे भी गए थे 36 लाख के करीब, और कल के दिन तो भी 8.5 करोड़ शेयर खरीदे हैं। तो इतने बड़ा डाटा हमें देखने को मिला है जिसका इम्पैक्ट आप लोग देखोगे मंडे के दिन इन शेयरों के ऊपर हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।